मिल गया, सोचा सी जो सेम मिल गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर गुरु रंधावा की। गुरु पिछले कुछ ही सालों में एक बड़े सिंगर बनकर सामने आए हैं। इशारे तेरे कंगने दे, तेरी के दिल मंगने दे। गुरु का हर एक सॉन्ग अलग ही लेवल की सक्सेस हासिल करता है। गुरु का गाना इंडिया के अलावा भी बहुत से देशों में ट्रेंडिंग में रहता है। इसके अलावा गुरु की स्माइल, लोग पर्सनालिटी से भी उनके करोड़ों फैन इम्प्रेस रहते हैं। मारते व्यापार नी तू हुस्न खलार, नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में गुरु की स्ट्रगल स्टोरी, कॉन्ट्रोवर्सी और एक लव स्टोरी बताएंगे जो अधूरी रही, और साथ ही बताएंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। गुरु के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु का रियल नेम गुरुशरण सिंह रंधावा है। गुरु का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ। गुरु जब बचपन में अपने गांव में रहा करते थे तो वहां कोई केबल टीवी कनेक्शन नहीं होता था। वो बचपन में दूरदर्शन और रेडियो देखा और सुना करते थे। जब वो कक्षा 3 में थे तो उन्हें शक्तिमान और सकलक बूम बूम जैसे सीरियल देख कर ही ये इच्छा हुई कि मुझे भी टीवी पर आना है। लेकिन तब उनको ये समझ नहीं आता था कि वो टीवी या रेडियो तक कैसे पहुंचेंगे। गुरु बताते हैं कि उनका गांव पाकिस्तान के काफी नजदीक था, इसीलिए उनके रेडियो पर पाकिस्तानी चैनल भी कैच किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें पंजाबी गानों का तरीका समझ में आने लगा। गुरु बचपन से ही काफी शर्मीले रहे हैं, लेकिन वो गाना गाने से कभी नहीं झिझकते थे। गुरु ने क्लास 3 से ही गाना शुरू कर दिया था और 7th तक आते आते वो थोड़ा थोड़ा खुद का गाना लिखने भी लगे थे। गुरु के बचपन से ही फेवरेट सिंगर बब्बू मान, गुरदास मान, नुसरत फतेह अली खान और दिलजीत दोसांझ हैं। गुरु का सपना शुरू से ही सिंगर बनने का था, पर वो अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पंजाबी सिंगर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आते। इसीलिए गुरु को लगा कि मुझे मेरी पढ़ाई जरूर पूरी करनी चाहिए। गुरदासपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली और आगे की पढ़ाई करने वो दिल्ली जाना चाहते थे, पर उस टाइम उनकी फैमिली इतनी सक्षम नहीं थी कि उन्हें दिल्ली से आगे की पढ़ाई करा सकें। बात करें गुरु की फैमिली की, तो उनकी फैमिली में उनके माँ हैं, पापा हैं और एक भाई हैं। गुरु बोलते हैं कि मेरी फैमिली कभी मेरा वीक पॉइंट नहीं बनी। मुझे दिल्ली पढ़ने जाना था और घर वालों के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उनके पापा ने अपनी जमीन बेचकर गुरु को आगे की पढ़ाई करने दिल्ली भेज दिया। गुरु ने दिल्ली के IIMB कॉलेज से MBA किया है। गुरु बताते हैं कि कॉलेज के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने उस लड़की को प्रपोज करने के लिए एक गाना भी लिखा था। लेकिन जब गुरु ने उस लड़की से अपने दिल की बात कही और गाना सुनाया तो उस लड़की ने बोला, तुम क्या हो जो मैं तुम्हारे साथ आऊं। गुरु सब कुछ हार गया, गादा तेरे नाल प्यार प्यार। इसके बाद उन्होंने ये चैप्टर वहीं बंद कर दिया और अपनी सिंगिंग पर ध्यान देने लगे। गुरु ने कभी सिंगिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने जितनी भी सिंगिंग सीखी है सब अपने आप सीखी है। वो दिल्ली में अपने कॉलेज में जब भी मौका मिलता था जरूर परफॉर्म करती थी, और कॉलेज में उनके गाने काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। जो आर्टिस्ट उनके कॉलेज में शो करने आते थे तो वो उन शोज में ओपन किया करते थे, मतलब वो शुरुआत के 15 मिनट सिंगिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई सिंगर जानने लगे। कॉलेज के दौरान ही उनकी सिंगिंग में बहुत सुधार आ गया था। सोच की ओपनिंग करते हुए ही गुरु की मुलाकात बोहेमिया से हुई और बोहेमिया उनकी सिंगिंग से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद बोहेमिया अपने लाइव कंसर्ट में गुरु को भी ले जाने लगे। इस सब के दौरान गुरु ने कुछ गाने बनाए थे जिन्हें उन्होंने काफी मेहनत से लिखा था। वो ये गाने लेकर कई रिकॉर्ड लेवल के पास गए, पर किसी ने उनके गाने पसंद नहीं किए। उनके गानों को किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ रिकॉर्ड लेवल तो उनसे ही पैसे मांगते थे, तो कई बोलते थे कि तुम्हारे गाने आज के जमाने के बिल्कुल नहीं लगते, अगर तुम इनमें कुछ बदलाव कर सको या कुछ एक्स्ट्रा पंच ऐड कर सको तब चलने के कुछ चांस हैं। इस सब रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी गुरु ने अपनी सिंगिंग का स्टाइल नहीं बदला और उन्होंने तय किया कि जब भी कामयाब होऊंगा इन्हीं गानों के साथ होऊंगा। बोहेमिया उन दिनों गुरु को गाइड किया करते थे। बोहेमिया ने उनसे बोला था कि तुम अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, जिससे तुम्हें आगे आसानी होगी। बोहेमिया ने गुरु को बोला कि गुरुशरण नाम काफी बड़ा है, एक आर्टिस्ट का
नाम छोटा होना चाहिए जिससे ऑडियंस आसानी से चीयर कर सके। बोहेमिया तब उन्हें गुरु बोला करते थे, तो गुरुशरण ने भी तय किया कि अब वो अपना आर्टिस्ट नेम गुरु ही रखेंगे। बोहेमिया के साथ ओपन करते करते वो कुछ फेमस हो गए, जिसके बाद वो कैलाश खेर और सरताज जैसे सिंगर्स के साथ शोज के स्टेज पर नजर आने लगे। शोज में तो गाने का मौका मिल रहा था, पर गुरु को इंतजार था अपनी पहली म्यूजिक एल्बम का। कुछ टाइम बाद गुरु ट्रेवल वीजा पर साल 2012 में लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात म्यूजिशियन और सिंगर अर्जुन से हुई। अर्जुन गुरु को अपने साथ अपने घर ले गए, जहां उन्होंने गुरु को गिटार के साथ गाना सुनाया और कहा ये गाना हम दोनों साथ बनाते हैं। फिर दो दिन बाद अर्जुन ने ये गाना गुरु को भेज दिया जिससे वो इसे तैयार कर लें। इस गाने का टाइटल था सेम गर्ल, जो साल 2012 में आया था। ये गुरु का पहला म्यूजिक एल्बम था। ये गाना ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, पर फिर भी गुरु अर्जुन का बहुत एहसान मानते हैं। वो बोलते हैं कि अर्जुन की वजह से ही मेरा असली सिंगिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद भी गुरु का स्ट्रगल जारी रहा। साल 2012 में उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की थी चढ़ गई, जो उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर रिलीज की थी। गुरु के पास ये सॉन्ग बनाने के पैसे नहीं थे, उनके बड़े भाई कनाडा में जॉब करते हैं। उन्होंने ये सॉन्ग बनाने में गुरु की फाइनेंशियल मदद की थी। ये सॉन्ग भी उनका ज्यादा कामयाब नहीं रहा। साल 2013 और 14 में ही गुरु ने पेज वन नाम की एल्बम लॉन्च की, जिसमें 3 सॉन्ग थे, पर इस बार भी उनको कामयाबी नहीं मिली। गुरु बोलते हैं कि मैंने रिकॉर्ड लेबल के पास जाना बंद कर दिया था। जो भी सॉन्ग मैं बनाता था उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता था। उस टाइम 20,000 से 30,000 व्यूज आते थे, जो आज के हिसाब से 1 या 2 मिलियन हैं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोग इंटरनेट या यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहा करते थे। उस टाइम गुरु जो भी सॉन्ग बनाते थे वो बोहेमिया को जरूर भेजा करते थे, क्योंकि बोहेमिया ने बोल रखा था कि तुम जो भी सॉन्ग बनाओ मुझे जरूर दिखाना। साल 2015 गुरु की जिंदगी में काफी बदलाव लेकर आया। इस साल गुरु ने पटोला सॉन्ग लिखा और बोहेमिया को भेज दिया। बोहेमिया को ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। बोहेमिया ने टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आपको एक नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, उसका सॉन्ग कमाल का है। टी सीरीज कंपनी तैयार हो गई। पटोला सॉन्ग गुरु और बोहेमिया का कॉलैब सॉन्ग था, जो सुपर हिट साबित हुआ। इस एक ही गाने से गुरु को काफी फेम मिल गया और साथ ही टी सीरीज ने भी उन्हें साइन कर लिया और भी कई जगह से ऑफर मिलने लगे। इसके बाद साल 2016 में शूट करदा और तू मेरी रानी उनके बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग साबित हुए, जिसकी वजह से उनके इन गानों को हिंदी मीडियम और तुम्हारी सोलो मूवी में शामिल कर लिया गया। अब गुरु काफी फेमस और कामयाब सिंगर बनते जा रहे थे। उसी टाइम गुरु के पास उस लड़की की कॉल आई जिसने गुरु का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। लड़की ने गुरु से बोला, मैं वही बोल रही हूँ, तुमने पहचाना? तो गुरु ने जवाब में बोल दिया, मैं वो नहीं बोल रहा, और फोन रख दिया। गुरु ने उस लड़की के लिए जो गाना लिखा था वो था बन जा तू मेरी रानी। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। साल 2016 के बाद 16 से भी ज्यादा उन्हें 17 में कामयाबी मिली। इसी साल शूट सॉन्ग उनका फिल्म में आया, जो खूब पसंद किया गया। लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट करदा। फिर उसके बाद जुलाई में उनका हाई रेटेड गबरू सॉन्ग लॉन्च हुआ, जिसने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस सॉन्ग पर पहले दिन ही 5 मिलियन व्यूज आ गए थे, जो उस टाइम शायद ही किसी सॉन्ग पर आते थे। ये सॉन्ग पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। हाई रेटेड गबरू तब सबसे तेज 20 और 30 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला पंजाबी सॉन्ग था, और ये सॉन्ग नॉन फिल्म सॉन्ग में से सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इसके बाद गुरु एक सुपरस्टार सिंगर बन गए और बचा हुआ काम कर दिया उनके 2017 में ही आए सॉन्ग लाहौर ने। फिर तो उनका हर गाना एक अलग ही ट्रेंड सेट करने लगा। बात करें उनके सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग की, तो हाई रेटेड गबरू, लाहौर, मेड इन इंडिया, इशारे तेरे, डाउनटाउन, शूट करदा, बन जा तू मेरी रानी सॉन्ग हैं, जिनमें से हाई रेटेड गबरू सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और लाहौर सॉन्ग भी 1 बिलियन व्यूज के काफी करीब है। आज गुरु कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां पहुंचना हर किसी स्ट्रगलर का सपना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब गुरु के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। तेनू अपनी बनाउणा।
28 जुलाई 2019 को कनाडा में गुरु एक लाइव कंसर्ट कर रहे थे। वहां भीड़ में एक फैन था जो गुरु के साथ फोटो लेना चाहता था, पर जब शो के एंड तक उसे मौका नहीं मिला तो उसने कोई मजबूत चीज गुरु के तरफ फेंक कर मारी। ये हमला जानलेवा था। गुरु के आंख के ऊपर गहरा घाव हो गया जिस पर 4 टांके आए थे। इसके बाद गुरु और उनकी टीम कनाडा से वापस आ गई और फैसला किया कि अब वो कभी कनाडा में शो करने नहीं जाएंगे। गुरु के लाहौर सॉन्ग बनाने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल गुरु दुबई में ट्रेवल कर रहे थे, वहाँ उनका एक दोस्त था। वो उस दोस्त से मिले, उस दोस्त ने गुरु से बोला एक लड़की है जो तेरे गानों में आना चाहती है। वो लड़की लाहौर पंजाब की है। वहीं से गुरु ने गाना लिखा ओ लगदी लाहौर दिया। ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया। गुरु बोलते हैं कि उनका सपना बचपन से ही सिंगर बनने का था। अगर वो इस बड़े लेवल के सिंगर ना बन पाते तो भी वो सिंगिंग कर रहे होते शादियों और पार्टियों वगैरह में। गुरु शुरुआत में पार्टियों में सिंगिंग किया करते थे जिनके उन्हें 50 या 100 रुपए मिला करते थे। पंजाबी सिंगर पाव दरिया ने गुरु पर ये आरोप लगाया था कि उनके यूट्यूब सॉन्ग पर जो व्यूज शो होते हैं वो सारे फेक हैं। उनके इस आरोप से काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसके जवाब में गुरु ने बस इतना बोला कि आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब और इंटरनेट पर कम यूजर थे, इसीलिए वीडियोस पर व्यूज अभी जितने नहीं आते थे, लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी बढ़ गई है, इसीलिए किसी भी अच्छे गाने पर 100-200 मिलियन व्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु ने जब पटोला सॉन्ग लिखा था तब वो थोड़े हताश होने लगे थे। ये गाना उन्होंने फुल एफर्ट के साथ लिखा था और सोचा था कि अगर ये सॉन्ग नहीं चला तो आगे काफी मुश्किलें होंगी। गुरु अपने माँ बाप को बहुत मानते हैं और वो उनको ही अपना सब कुछ बताते हैं। गुरु बोलते हैं कि माँ बाप की नज़रों में लड़का तभी सक्सेसफुल हो जाता है जब वो अच्छे पैसे कमाने लगे और अपनी ज़िंदगी चैन से काट सके। पेरेंट्स को लग्जरियस लाइफ से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। गुरु अपने गानों में हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल के साथ नज़र आते हैं, पर असल ज़िंदगी में वो इसके उलट हैं। उन्हें सिंपल लाइफ स्टाइल पसंद है और उन्हें अपने गांव में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अगर आप गुरु को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो तो आप उनके बारे में जानते होंगे। गुरु सिंपल होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी हैं। वो बच्चों और बेसहारा लोगों की भी मदद करते नजर आते रहते हैं। टी सीरीज को अर्जुन कपूर ने रिकमेंडेड किया था कि वो बन जा तू मेरी रानी सॉन्ग अपनी कंपनी से बनवाएं, जिसे गुरु रंधावा गाएंगे तुम्हारी सोलो मूवी में। गुरु बचपन से ही अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और गुरु के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था जब गुरु के सॉन्ग की तारीफ अक्षय कुमार ने ट्वीट करके की। अक्षय के अलावा भी कई स्टार गुरु की तारीफ करते नजर आते रहते हैं। गुरु रंधावा भी मैंने बहुत पसंद है। गुरु को स्पोर्ट में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलना और देखना पसंद है। गुरु को बाजीगर मूवी के सारे गाने बहुत पसंद हैं और भोजपुरी सॉन्ग लगाबेलू जब लिपस्टिक उनका काफी पसंदीदा सॉन्ग है और इस गाने पर वो कहीं भी डांस कर सकते हैं। गुरु बोलते हैं कि उनके अंदर लेट सोने की आदत है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, वो अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं। गुरु IPL 2017 के ओपनिंग में भी परफॉर्म कर चुके हैं। गुरु का सॉन्ग लाहौर ने यूट्यूब बिलबोर्ड के टॉप 25 सॉन्ग्स में जगह बना ली थी। गुरु इंडिया के पहले सिंगर थे जिनका सॉन्ग बिलबोर्ड के लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि इस लिस्ट में माइकल जैक्सन, मैडोना जैसे बड़े बड़े सिंगर्स का नाम शामिल किया गया है। गुरु इतने सक्सेस होने के बाद भी अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं बुलाते। जैसे स्ट्रगलिंग टाइम में गुरु को काम नहीं मिल रहा था तो अर्जुन ने गुरु को अपने साथ काम दिया। वैसे ही फेमस सिंगर बनने के बाद गुरु ने अपने सॉन्ग शूट शूट कर दा में अर्जुन को फीचर किया। गुरु को पार्टियां वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि मैं पार्टियों के लिए नहीं बना हूं। मुझे रात को गाने लिखना पसंद है। अगर मैं पार्टी वगैरह करने लगा तो भगवान ने मुझे जो इस मुकाम पर पहुंचाया है मैं शायद इसे खो दूंगा, इसीलिए वो इन सब से दूर ही रहते हैं। ना उन्हें पार्टियां करना पसंद है, ना ड्रिंक, ना स्मोक। जितने वो कामयाब हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं।
बात करें गुरु की डाइट की तो वो ज़्यादातर नॉर्मल घर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपना वर्कआउट नॉर्मल खाने के साथ ही करते हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, इसीलिए वो डेली वर्कआउट नहीं कर पाते। गुरु को नई नई जगहों पर घूमना, बीच पर घूमना, मूवी देखना और पास्ता खाना भी पसंद है। साल 2017 में गुरु ने एक सैड सॉन्ग बनाया था जिसका टाइटल था तारे। इस गाने ने यूट्यूब पर एवरेज परफॉर्म किया था और इस गाने के लिए गुरु को ट्रोल भी होना पड़ा था, क्योंकि इस सॉन्ग का वीडियो जैन मलिक के वीडियो इट्स यू का कॉपी माना गया। गुरु का पटोला सॉन्ग 2018 में ब्लैकमेल फिल्म में फीचर किया गया था, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं रही और सॉन्ग लोग पहले से ही काफ़ी सुन चुके थे। गुरु का लाहौर सॉन्ग स्ट्रीट डांसर मूवी के लिए रिक्रिएट किया गया, जहां एक बार फिर से ये सॉन्ग सुपरहिट साबित हुआ। साल 2019 में गुरु ने अमेरिकन रैपर पिटबुल के साथ स्लोली स्लोली सॉन्ग रिलीज किया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ये गाना गुरु का पहला गाना था जो उन्होंने किसी इंटरनेशनल सिंगर के साथ बनाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरु रंधावा के अवार्ड्स के बारे में। गुरु को वैसे तो बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, पर हम आपको उनके कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स बताते हैं। फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के लिए उन्हें आईफा अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। पटोला सॉन्ग के लिए 2016 में उन्हें पंजाबी म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट डुओ ग्रुप अवार्ड मिला। सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी के लिए ही उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला। बात करें गुरु के अभी के रिलेशनशिप स्टेटस की, तो वो फिलहाल किसी भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं हैं। गुरु का एक यूट्यूब चैनल है, ट्विटर आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना पसंद करते हैं। गुरु का स्ट्रीट सिंगर से दिल्ली में शो ओपन करना और वहां से सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सिंगर बनना और बॉलीवुड तक पहुंचने का फर्ज से अर्ज तक का जो ये सफ़र है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जैसा गुरु का नेचर है, वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं और हम्बल रहते हैं, उससे कोई भी उनके इस कठिन जर्नी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। गुरु की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है और मेरा ये वीडियो गुरु की मेहनत और संघर्ष पर तो रोशनी डालने का काम करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट तो बहुत हैं, पर कामयाब होने के लिए वो कठिनाइयों से लड़ना नहीं जानते। कुछ ही लोग होते हैं जो हर कठिनाई से लड़ने को तैयार रहते हैं और ऐसे ही लोग आगे चलकर कामयाब बनते हैं। अगर गुरु भी रुकावटों से हार मान लेते तो वो आज इस मुकाम पर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी गुरु रंधावा की। हमने गुरु की लाइफ को काफ़ी करीब से आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से जुड़ पाए होंगे। वैसे तो गुरु का हर सॉन्ग कमाल का होता है, पर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं गुरु अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आप हमारे वीडियो को 10 में से कितने स्टार देंगे। हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है और हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप कोई वीडियो मान करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।